Assalamualaikum students, I am Mrs. Amita Danish. I am here to teach you Pakistan studies. Students, मैं class 8 के students से अब मुखातिब हूँ. Students, if you can remember कि last time जो two videos आ चुके हैं आपके, उसमें मैंने आपको blanks making का कहा था. I hope कि आपने जो assignments है वो complete कर लिए होंगे. इसके अलावा जो ज़्यादा focus करेंगे that is learning. तो learning के लिए मैंने short question answers आपसे कहे थे last time 1 to 10. ये lesson number 4 था. अब 11 to 20 यू हैव टू लर्न फ्रॉम द लेसन नंबर 4 ऑल्सो. अब हम आते हैं एन अदर असाइनमेंट फॉर यू, दैट इज़ द यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन. इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक. लेकिन आप विदाउट डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर सकते. मिस फिनिश हुई, पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी. इन्वायरमेंट प्रॉब्लम ये पेज नंबर 64 पे आपको मिलेगा. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी हमारी जो फिज़ा है, हमारी हवा, इसमें कौन से प्रॉब्लम्स है. डेफिनेटली पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द इन्वायरमेंट. तो जो पोल्यूशन है दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में 3 पोल्यूशन आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. ये सब मिस आपको बता चुकी हैं. तो ये जो आंसर है दैट यू हैव टू राइट, ये आंसर आपको लॉन्ग आंसर की तरह राइट करना है. आप बिल्कुल इसको इसी तरह राइट करेंगे जैसे कि आप एक बोर्ड आंसर राइट कर रहे हैं. इसके लिए पेज नंबर 64 से जो 3 लाइंस हैं और पेज नंबर 65 तक जो 3 तक लैंड पोल्यूशन तक है, ये तो आपने राइट ही करना है. लेकिन जब एयर पोल्यूशन में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल शॉर्टर कर दीजिएगा क्योंकि आपको वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन भी करना है. लैंड पोल्यूशन में पॉइंट्स है तो यू हैव टू डू कम्प्लीटली द लैंड पोल्यूशन. तो आप जब शॉर्ट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन में कर सकते हैं. तो आप 4 लाइन से स्टार्ट करके आप यहाँ एटमॉस्फेरिकल पोल्यूशन तक आ सकते हैं, मतलब इसको इतना शॉर्ट आप कर सकते हैं. इसके बाद जब वाटर पोल्यूशन में आएंगे तो इसको तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया जा सकता है. ये 65 पेज पे लास्ट लाइन है. तो यहाँ से देख सकते हैं कि वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट, वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट यहाँ से लेके एंड तक. इसके अलावा लैंड पोल्यूशन तो आपको तकरीबन कम्प्लीट ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं. लेकिन अगर आप इसको लास्ट लाइन है एलिमेंट्स विच मेक द लैंड बैरन आर एज अंडर, अगर आप इसको स्किप करना चाहेंगे तो इट्स कॉम्पोजिशन तक, इट डैमेजेस इट्स कॉम्पोजिशन तक राइट कर लें. 5 लाइन्स हैं स्टार्ट की, इससे ज़्यादा शॉर्ट ये हो नहीं सकता आंसर. अच्छा, ये जो आंसर है, जो इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द लेसन है. ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप अंडरस्टैंड इसलिए आपने कर लिया होगा कि आप पहले भी मिसेज विनेश अदनान आपको पढ़ा चुकी हैं. इट इज़ सेकेंड टाइम, लेकिन ये आंसर इज़ न्यू फॉर यू. तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. केयरफुली इसको राइट कीजिएगा. फेयर रजिस्टर. Okay, and not this.